मूदी मेथड से शुरुआत करने जा रहे हैं। मूदी मेथड मैंने आपको बताया था कि जो आपने लास्ट पिछली वीडियो में मेथड देखा था वैम, ठीक है ना, इसका जो सॉल्यूशन आता है वो ऑप्टिमल है कि नहीं है, ऑप्टिमल है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हम मूदी मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब ये मेथड बहुत लेंदी है, ठीक है ना। मूदी ना मुझे पसंद है ना आपको पसंद है, लेकिन आएगा तो मूदी ही, ठीक है ना। क्या ईवीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, बल्कि इसका मतलब हो चुका है एवरी वोट मोदी। तो ये वाला मेथड आप कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि पसंद नापसंद की बात इधर नहीं है, क्योंकि आपको पेपर तो पास करना ही है, बैक कोई नहीं लाना चाहता, 530 या 600 रुपये जो भी आपका लगता है वो कोई नहीं देना चाहता, ठीक है। बैक बैक मत लाना, ये करके आप जाओ, ये ज़रूर आता है। और मूदी मेथड में सबसे पहले तो हमने ना ये जो पिछले वीडियो में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था इस मेथड से, मैम मेथड से, वो क्वेश्चन हमने एज इट इज़ लिख लिया और उसका सॉल्यूशन भी लिख लिया। मतलब हमारा ये आया था ना 19 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 आया था, 8 के कॉरस्पॉन्डिंग 8, ये मतलब सॉल्यूशन आ गया था। पीछे जाके देख भी लेना पिछली वीडियो में, यही हमारा सॉल्यूशन आया था, वो सॉल्यूशन हमने एज इट इज़ लिख लिया, क्योंकि सॉल्यूशन दोबारा नहीं निकालेंगे। अब ये जो सॉल्यूशन हमारे पास आया था, ये मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आई थी ना, है ना, इस जो हम निकालते थे 19 × 5 प्लस 10 × 2 प्लस 7 × 40, ऐसे जो निकालते थे, वो हमें चेक करना है ऑप्टिमल है कि नहीं है। अब सबसे पहले तो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स इज इक्वल टू एम प्लस एन माइनस वन, इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, ऑक्यूपाइड सेल्स आपके वो हैं जिनमें दो चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे 19 और 5, ये नहीं है ऑक्यूपाइड, ये भी नहीं है, 10 और 2, ऐसे ही 7 और 40, 2 और 60, 8 और 8, 10 और 20, ये सारे आपके ऑक्यूपाइड सेल्स हैं। और एम प्लस एन माइनस वन का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस वन के इक्वल होने चाहिए, ये नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस नंबर ऑफ रोज माइनस वन के इक्वल होना चाहिए। या नंबर ऑफ रोज हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 4, 7 − 1 = 6, और ऑक्यूपाइड सेल हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी 6 हैं, तो ये दोनों तो इक्वल हैं, मतलब आपका सॉल्यूशन नॉन डिजेनरेट है, ठीक है ना। मतलब आपका सॉल्यूशन क्या है? नॉन डिजेनरेट है। अगर ये इक्वल ना होते ना, तो ये सॉल्यूशन जो होता हमारा हो जाता है ये डिजेनरेट टाइप का। और इस सॉल्यूशन की ये ऑप्टिमल है कि नहीं है ये हम चेक नहीं कर सकते, फिर इसको पहले हमें नॉन डिजेनरेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हम आगे की वीडियोज़ में देख लेंगे एक बार, ठीक है ना। तो डीजनरेट ये नहीं होना चाहिए, नॉन, अगर डीजनरेट है तो नॉन डीजनरेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसमें नॉन डीजनरेट आ गया, नॉन डीजनरेट आ गया, इसका मतलब इसकी ऑप्टिमल है ये नहीं है या नहीं है, है या नहीं है, मतलब हम चेक कर सकते हैं कि डायरेक्टली मोदी मेथड से ये ऑप्टिमल है कि नहीं है, डायरेक्टली हम मोदी मेथड से चेक कर सकते हैं, नॉन डीजनरेट आया क्योंकि। अब क्या करना है, असाइन U1, U2, U3 एंड V1, V2, V3, V4, मतलब इस रो को U1, इस रो को U2 यहाँ लिख दिया, इस रो को U3 और इस कॉलम को V1 ये लिख दिया, इस रो कॉलम को V2, इस कॉलम को V3, इस कॉलम को V4 असाइन कर देना है। और ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, इस फार्मूले को यूज़ करके, इसमें C कॉस्ट है, ये जो अंदर लिखी होती है कॉस्ट होती है, Cij इज इक्वल टू UI प्लस J का यूज़ करके, I यहाँ पे है रो और J है कॉलम, ठीक है ना। तो C11 इज इक्वल टू U1 प्लस V1, मतलब जो भी ऑक्यूपाइड सेल्स है ना, ऑक्यूपाइड मतलब वही जिनमें दो वैल्यूज लिखी हुई हैं, उन सेल्स के लिए हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, जैसे C11 इज इक्वल टू U1 प्लस V1, फिर इस कॉलम के लिए लगाएंगे, इस सेल के लिए लगाएंगे, ये होगा C14 इज इक्वल टू U1 प्लस V4, ऐसे इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए, ये हमने लगा दिया, सिर्फ इन 6 सेल के लिए लगाएंगे, नॉन ऑक्यूपाइड को छोड़ देंगे। अब हमें इसमें इनको सॉल्व करना है, मतलब C1, U1 और V1, C1 की वैल्यू तो हमें पता है, C11 की, C14 की, C14 की है 10, C11 की है 19, ऐसे ये सारी कॉस्ट की तो सारी वैल्यूज हमें पता है, लेकिन U1 और V1 और U1 V4 ये जितने भी हैं, U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 ये सारे की वैल्यूज हमें नहीं पता, ये हमें सॉल्व करने हैं। लेकिन ये टोटल वेरिएबल्स आपके पास हैं, ये टोटल वेरिएबल आपके पास 12 हैं, है ना, लेकिन इक्वेशन आपके पास 6 हैं, तो आप सॉल्व कर नहीं सकते इनको डायरेक्टली वेरिएबल को, इसलिए इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम V4 को 0 मान लेंगे। आप V4 को ही क्यों 0 माना हमने, बाकियों को क्यों नहीं माना 0, क्योंकि V4 के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल हैं, ये देखो 3 सेल हैं इसके पास, लेकिन बाकियों के पास, इसके पास देखो, इसके पास एक ही है, इसके पास एक ही है, इसके पास भी एक ही है, तो V4 के पास सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड सेल्स है, तो V4 को हमने 0 मान लिया। ये प्रोसेस है एक तरीके का, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना ताकि आप रिवाइज़ कर पाओ बार बार। अब V4 को 0 मान के, V4 को जैसे ही आप 0 मानोगे, आप देखोगे अब सब निकलता जाएगा। पहले हम यहाँ से U1 निकाल लेंगे, उसके बाद U1 का यूज़ करके यहाँ से V1 भी निकाल लेंगे, V1 का यूज़ करके कुछ और निकाल लेंगे, फिर ये सब हमारा निकल जाएगा, सारी वैल्यूज़ हमारी निकल जाएंगी। मैं लिख दिया एंड फाइंड ऑल वैल्यूज़ ऑफ रिमेनिंग वेरिएबल्स, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद
नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स को आपको चूज करना है, पेज थोड़ा कम था इसलिए मैंने ऊपर कर दिया, नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स को यूज करना है और नॉन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है। पहले ऑक्यूपाइड सेल्स को यूज करके निकाला हमने इस फॉर्मूले से, और अब नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स को यूज़ करके ये वाले फॉर्मूले से हमें वैल्यूज़ निकालनी है। और इसमें आपको कॉस्ट की वैल्यू तो पता ही है, U1 और V1 की आपकी यहाँ से वैल्यू निकल गई, मतलब जो भी आपका U होगा UI प्लस VJ के वो निकालना है आपको सब नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए। सब नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए अगर सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ग्रेटर देन जीरो आती हैं तो सॉल्यूशन मतलब ऑप्टिमम है, मतलब जितनी भी यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएंगी वो अगर सारी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमम है, मतलब और सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं किया जा सकता। और अगर लेस देन जीरो आती हैं, मतलब नेगेटिव आती हैं, तो सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमम नहीं है। ठीक है, अगर आती हैं तो यहीं आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया कि हाँ भाई ऑप्टिमम है, ग्रेटर देन इक्वल टू आ गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सारी। नहीं आ रही, लेकिन अगर ऑप्टिमम नहीं है, अगर क्योंकि हमारी नेगेटिव आ गई अगर कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो हम कैसे करेंगे वो हम आगे देखते हैं।